हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ऑनलाइन जीके सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 17 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप भी इनका प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम क्लियर करें बड़े अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, यरूशलम पवित्र शहर की स्थापना किसने की? तुम्हारे ऑप्शन है राजा जुडास, राजा डेविड, राजा सुलेमान या ब्रिटेन ने। ठीक है, तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों राजा डेविड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यरूशलम ने यहूदियों के लिए पवित्र पहला मंदिर किसने बनाया था? हमारे ऑप्शन है राजा डेविड, सोलोमन, यीशु मसीह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यरूशलम में यहूदियों के लिए पवित्र पहला मंदिर जो है वो सोलोमन ने बनवाया था, तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को कहाँ सूली पर चढ़ाया गया था? हमारे ऑप्शन है गोलगोथा, बेबीलोन, पश्चिम दीवार या यरूमस्थल यरूशलम। तो हमारा सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है दोस्तों वो है गोलगोथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंपल माउंट के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, यह भूमध्य सागर में एक पहाड़ी पर स्थित एक परिसर है। अहिरियों के अनुसार यह इब्राहिम के पुत्र इशाक का बलिदान स्थल है। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है कि केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों टेंपल माउंट जो है यरूशलम में एक पहाड़ी पर स्थित एक परिसर है। ठीक है, यह 35 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसमें यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए 3 धार्मिक स्थल शामिल हैं। तो दोस्तों दूसरा कथन सही है हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चल दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पोलर सिल्क रोड कौन सा देश बना रहा है और कौन से महासागरों को कवर करता है? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जापान प्रशांत आर्टिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा, चीन प्रशांत आर्टिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा, रूस आर्टिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा, ब्रिटेन आर्टिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि चीन ने पोलर सिल्क रोड के निर्माण में भाग लेने के लिए अपनी रुचि दिखाई है जिससे एक नई समुद्री मार्ग का उद्भव की संभावना बढ़ गई है। इसमें प्रशांत आर्टिक और अटलांटिक महासागर के नाम के 3 महासागरों को कवर किया जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? हमारे ऑप्शन है US नेशनल आइस सेंटर, नासा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों एकमात्र संगठन जो अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है वो US नेशनल आइस सेंटर है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलावेसी गुफा चित्रों के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, यह लगभग 5 मीटर चौड़ी है और इसमें जंगली सुअरों को दर्शाया गया है। दूसरा कथन है, थेरियन थ्रॉप्स का चित्रण भी चित्रों के माध्यम से इस पेंटिंग में किया गया है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो हमारा सी जो है वो सही जवाब होगा, 1-2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन E9 देशों को की सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको, 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो है दक्षिण अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरेनियम के लिए सही है। सॉरी दोस्तों, तो पहला कथन है यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी है और संलयन प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरा कथन है हमारा, यूरेनियम के परमाणु एक विशेष दर से विभाजित होकर न्यूट्रॉन और ऊष्मा छोड़ते हैं। तो इन दोनों में से दोस्तों सेकंड कथन जो है वो सही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बी जो है केवल दूसरा कथन वो सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, वो है क्रीमेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे के नई प्रजाति की खोज की गई है। यह तवांग जिले में क्रीमेथोडियम इंडिकम नाम से पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ज़रूर करें और अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे।